हेलो दोस्तों, आज हम लोग मिक्सर ग्राइंडर का जार का ब्लेड जाम हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको दोस्तों खोलेंगे। खोलने के लिए इसको अंदर की तरफ से प्लास से पकड़ लें और पीछे का कवर जार जिसको हम लोग फर बोल देते हैं उसको हम लोग अपने टूल की मदद से खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये खुल गया। ये देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है और ये इसकी दो इसमें बासलें दी होती हैं वो भी हमने निकाल दी। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा प्लास की मदद से आप ठोक सकते हैं। अगर ठोकने पे भी ना निकले तो इसको थोड़ा आप घुमा के निकाल सकते हो। इसको उल्टा या सीधा आप घुमा लें फिर ये निकल जाएगा। और फिर इसको थोड़ा सा प्लास की मदद से ठोक लें और ये निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब ठोकने पे थोड़ा निकल जाएगा। ये हमने घुमा लिया, घुमाने पे थोड़ा इसको उल्टा सीधा घुमाते रहें ताकि ये निकल जाए। ये देखिए, ये टाइट होता है दोस्तों, ये निकल गया अब हमारा। ये देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी टाइम रुके रहने के बाद जंगाल पड़ जाता है, इसीलिए दोस्तों इसको निकाल लें। और अब हम लोग रेगमार की मदद से इसको थोड़ा घिसेंगे ताकि ये अपना सही हो जाए। इसको अच्छी तरह से दोस्तों घिस लें। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसको दोस्तों घिस लिया। ये देखिए, अब हम लोग इसके जो नीचे बुश होता है जिसमें अपनी ब्लेड चलता है उसमें हम लोग ऑयल डालेंगे। इसमें आप दोस्तों अच्छी तरह से ऑयल डाल के इसको हिला दें और फिर फर डाल के भी इसको दो तीन बार घुमा दें। जो इसमें जंगाल लगा होगा दोस्तों वो निकल जाएगा। ये देखिए, जैसे हमने निकाल घुमा दिया, इसको अच्छी तरह से दोस्तों घुमा दें ताकि इसमें जो जंगाल लगा हुआ है वो सारा निकल जाए। ये देखिए, फर को पकड़ के जार को घुमा दें उल्टा सीधा दोस्तों, अच्छी तरह से इसको घुमा दें ताकि इसमें जो जंगाल लगा हुआ है वो निकल जाए। और उसके बाद फर को निकाल लें। निकालने के बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह से साफ कर दें। ये देखिए, हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसमें कपड़ा घुसा दिया और जो इसमें जंगाल था वो साफ करेंगे। ये देखिए, ये हमने साफ कर दिया और बाकी का ऑयल भी, एक्स्ट्रा ऑयल दोस्तों आप साफ कर दें। ये देखिए, हमने दोस्तों साफ कर दिया। अब हम लोग इसका फर लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। ये देखो, ऑयल लगाने के बाद दोस्तों ये पूरा अच्छी तरह से घूम रहा है। थोड़ा फर को नीचे करके भी आप उसमें ऑयल भर दें। ये देखिए दोस्तों, ये अब पूरा मज़े से घूम रहा है, अब इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके ऊपर हम लोग बासल रखेंगे। बासलें दोस्तों आप ऐसे रखें कि इसमें थोड़ा सा 1 mm का लूज हो ताकि ये घूमता रहे। कई बार मेरे दोस्त इसमें पूरी बासल डाल देते हैं और इसको पूरा टाइट कर देते हैं, वो फिर घूमना बंद कर देता है दोस्तों। इसीलिए इसमें बासलें अच्छी तरह देख के लगाएँ ताकि इसमें थोड़ा सा गैप रहे और उसके बाद इसका फर टाइट कर दें। ये देखिए दोस्तों, फुल टाइट कर दिया। ये अपना जार बड़ी आसानी से घूम रहा है और इसका फर भी घूम रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।